बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शायद मैंने पहले अपनी किसी वीडियो में ये मेंशन किया हो कि मेरी बहन बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती है, तो वो पार्टिसिपेट कर रही है कैलीग्राफी के एग्ज़िबिशन में। तो आज हमने जाना है साथ कि हमने कैलीग्राफी को, जो उसकी है कैलीग्राफी, उसके जो कैनवस है मेनली, हमने उसको आर्ट्स काउंसिल में जाके हमने डिस्प्ले के लिए सेट कर देना है, और कल फिर एग्ज़िबिशन होगी। तो आज हम जा रहे हैं आर्ट्स काउंसिल। रास्ते में से हमने एक वायर लेनी है जिसके थ्रू वो कैनवस हैंग होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी बाकी लोगों के काम भी, और किस तरह की कैलीग्राफीज उसने की हुई है वो भी। Yes, I'm going. गोइंग। बहुत देर हो गई है। अच्छा, वर्दा की कैलीग्राफीज में इंशाल्लाह आप लोगों को फिर आर्ट्स काउंसिल में ही दिखाऊंगी। ठीक करा लो, जाओ करवा लो। हैंडल लगवा। अच्छा, तो हमने लेनी है क्योंकि एक वायर हैंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ये हमारे घर के करीब है बुक सेंटर, तो हम वहाँ पता कर लेते हैं कि अगर हमें वहाँ से मिल जाती है वायर, अदरवाइज़ फिर हमें मुल्तान किताब घर जाना होगा उस वायर के लिए। और ये वर्दा की पेंटिंग्स अभी नहीं दिखाने। अभी नहीं दिख। हमें यहाँ से नहीं मिली वायर, तो अब हम जाएंगे मुल्तान किताब घर। तो हम लोगों ने अब रिक्शा किया और हम मुल्तान किताब घर आ गए। है, मिल गई है, शुक्र है। आर्ट्स काउंसिल में आ गए हैं, और मैं आर्ट्स काउंसिल में पहले 2 बार आई हूँ। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास एंड 10th क्लास, तो 9th में हमने 10th वालों को फेयरवेल दी थी, और 10th में जो हमें खुद फेयरवेल मिली थी, उसके बाद कभी इधर आना नहीं हुआ। तब उन्होंने हमें बोला कि आप सबसे ऊपर चले जाएं। हॉल में एंटर होने के बाद फिर हमने देखी सब लोगों की पेंटिंग्स, और कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग आ रहे थे, बट पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ जब अल्लाह ताला का नाम लिखते हैं ना, तो अल्लाह ताला इसमें ऐसी बरकत डाल देते हैं, इंसान के बस में नहीं है कि वो ये कर सके, बट अल्लाह ताला इतना अच्छा मतलब काम के, आई वॉज सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा काम था लोगों का। दिस इज सो ब्यूटिफुल, माशाल्लाह। हाँ वर्दा, क्या ख्याल है? बहुत प्यारा काम है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। नहीं, माशाल्लाह तुम्हारा अपनी जगह है, और तुम अभी सीखने वाले प्रोसेस में हो, इंशाल्लाह तुम भी ऐसा ही बनाओगी।
आर्ट जो कंपटीशन एग्जीबिशन भी होगी, आर्ट का फेस्टिवल भी होगा, उसमें आर्टिस्टों के लिए मेडल्स भी होंगे, उसमें आर्टिस्टों के नोट्स भी दिए जाएंगे जिनके आर्ट अच्छे होंगे, और कुछ आर्टिस्ट पकड़े भी जाएंगे जो खुद नहीं करते लोगों से। नहीं ऐसे कौन करता होगा, ऐसे में भी हो सकते हैं आपके साथ खड़े गए। चले ठीक है, तो आज हमने अपना आर्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया है, और तो हमने अपनी पेंटिंग जहाँ रखवा दी है हमने वायर दे दी है, और वो बेसिकली डिस्प्ले के लिए सेट कर रहे हैं, और हमने बाकी लोगों का काम देखा है, दैट वाज टू गुड कि हम बस हैरान हो गए कि यार मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ आर्ट इतना प्यारा भी हो सकता है, और अल्लाह ताला ने लोगों को कितना कितना ज़्यादा टैलेंट दिया है, तो इंशाल्लाह कल इससे ज़्यादा मज़ा आएगा जब सब आर्टिस्ट इकट्ठे होंगे और एग्जीबिशन होगी, लोग आएंगे, और मैंने उनसे सीईओ से बात भी किया है, ही हैज प्रॉमिस कि हम दिसंबर में इंशाल्लाह मुल्तान फेस्टिवल से आएंगे और तब लाइव पेंटिंग होगी। तो इट वाज गुड टू कम हियर, और आप लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं जो कि मेरा इधर से। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आके कैसा लगा, और तुम्हारी कल के लिए कैसी फीलिंग है, आर यू वेरी एक्साइटेड? मुझे ये मोटिवेशन मिला कि आगे बहुत कुछ करना है, सीखना है, और मैंने जो काम एकदम बिल्कुल रोक दिया था, स्टॉप लगा दिया था, अब मुझे इसे कंटिन्यू करना है, और मैं अब बहुत कुछ करूँगी, इतनी बड़ी बड़ी कैनवासेस भी होते हैं। सब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, बट मीनवाइल मुझे एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग नज़र आई है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही कैनवस के ऊपर ओवरऑल पिक्चर डिस्प्ले करें, बट हम 3 से 4 कैनवस लेकर भी ना उसको इस तरह से बना सकते हैं, एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। और मुझे स्पेशली ये जो इसको क्या कहते हैं, सूफिज्म, और इसको जो बंदा घूमता है इसको क्या कहते हैं, सूफी, इस तरह के आर्ट में बहुत ज़्यादा दरवेश, एग्जैक्टली दरवेश, वो जो इस तरह का ड्रेस होता है घूमते हैं, माशाल्लाह मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, तो मैं भी बनाऊँगी। और वरदा आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, हम आपको बुलाना चाहेंगे स्टेज पे और आप बताएं कि आपको जो अवार्ड मिल रहा है। अगर वो है तो मैं हूँ, ओए उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। क्लैपिंग में कैमरा कैप अगर मैंने अपना काम थोड़ा बहुत जो भी स्टार्ट किया है वो इसी की वजह से किया है, बस यही कहना चाहती हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए तो पहुँच रही है।